आज मैं बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड। एसबीआई कियोस्क में अगर हम बार बार ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक बार दो बार रॉन्ग डालते हैं तो वो जो हो जाता है वो आपको आप में सिस्टम में लिखा आता है योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज़ बीन लॉक्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड कुड नॉट बी प्रोसेस्ड। तो इसको सॉल्यूशन इसका कैसे होगा और इसका क्या सॉल्यूशन करें जो बार बार हमारा लॉक नहीं हो। तो लॉक होने के बाद तो आपको अपने बीसी से रीसेट करवाना होता है, ये तो आपको पता है। रीसेट कराने के बाद आप क्या करें, आपका जो पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को सबसे पहले आएंगे अपने डेस्कटॉप के मेन स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे आने के बाद न्यू करेंगे, एक हम न्यू फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसे यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे इसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, मैं इसे टाइप कर देता हूँ। तो जैसे ना आपने कियोस्क लॉगिन किया या फिर इसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड 1234 है लास्ट का, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। अब इस पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके रीनेम, रीनेम में जाने के बाद आप इस अपने पासवर्ड पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद आपको जहाँ भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना हो, जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बार बार देना पड़ता है जो कि आपको टाइप नहीं करना होगा, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के लिए आपको अपने लैपटॉप में, अगर आपका डेल का है या फिर सैमसंग का है या फिर आसूस और एचपी के लैपटॉप में, आप लैपटॉप के कीबोर्ड से नहीं कर पाओगे क्योंकि इंसर्ट की जो होती है, इंसर्ट की लैपटॉप में, उसमें या तो इंसर्ट या तो उसमें प्रिंट स्क्रीन अटैच, एक ही की में दो दो सिस्टम होते हैं, दो दो फंक्शन होते हैं जिसके कारण आप लैपटॉप से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो। आप अगर कीबोर्ड यूज़ करते हो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड से आप पासवर्ड डाल सकते हो। तो पासवर्ड डालने के लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट और इंसर्ट। जैसे आप शिफ्ट और इंसर्ट दबाएंगे तो आपका वो पासवर्ड फिल हो जाएगा और डायरेक्ट आप अपना ऑथराइज पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ एजेंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड वेरीफाइड सक्सेस, यानी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऑटो फिल हो जाएगा और वो आप उसके बाद आप कन्फर्म करोगे तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बार बार ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक नहीं होगा क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड कॉपी कर रखा है, तो इसमें बार बार प्रेस नहीं करना होगा, तो बार बार रॉन्ग नहीं होगा। तो इससे आप अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक होने से बच सकते हैं आप। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।